नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन फोरम ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आपको उत्तराखंड SSC पटवारी एंड लेखपाल रिक्रूटमेंट 2021 के बारे में बताऊंगा। तो भर्ती से रिलेटेड पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक देखें और अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर भी करें। तो देखिए दोस्तों, यह ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, और नीचे चलकर आपको मेल आईडी दी गई है। और इसके बाद आगे चलकर देखिए हम पूरी जानकारी लेते हैं। यहाँ पर आपको चयन हेतु विज्ञापन दिया हुआ है और नीचे चलकर आपको टोटल वैकेंट पोस्ट बताई गई है, यानी कि पटवारी की 366 रिक्त पद और राजस्व निरीक्षक यानी कि लेखपाल की टोटल 147 रिक्त पद हैं, यानी कि टोटल 513 जो हैं वो वैकेंट पोस्ट यहाँ पर निकली हुई है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो आपके जो फॉरम है वो 22 जून से ऑनलाइन शुरू हो जाएंगे और दोस्तों इसकी जो लास्ट डेट होगी वो 5 अगस्त होगी, यानी कि आप 22 जून से लेकर 5 अगस्त के बीच में अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। हालांकि दोस्तों यहाँ पर फीस में आपको 2 दिन की छूट दी गई है, यानी कि आपकी जो फीस की जो लास्ट डेट होगी वो 7 अगस्त होगी। और यहाँ पर आपकी रिटर्न टेस्ट और शारीरिक दक्षता यानी कि PST की भी अनुमानित समय दिया हुआ है, जो कि नवंबर 2021 है। हालांकि दोस्तों ये कन्फर्म नहीं है, बाकी नवंबर 2021 में आपका रिटर्न टेस्ट या फिर PST हो सकता है। अब आगे चलकर आपको टोल फ्री नंबर दिया हुआ है, साथ में व्हाट्सअप नंबर भी, और इसके साथ ही आपको मेल आईडी दी गई है। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो इन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करके आप अपनी डाउट क्वेरी को दूर कर सकते हैं। अब इसके बाद जो पॉइंट एक है, इसमें आपके पदनाम यानी कि पटवारी के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर टोटल जो पद हैं वो हम बात कर चुके हैं, 366 पद हैं। अब नीचे चलकर आपको पद कोड, विभाग का नाम, पद का नाम और टोटल जो कैटेगरी वाइज वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन है वो यहाँ पर दिया हुआ है। आपके अलग अलग जिले की यहाँ पर टोटल अलग अलग वैकेंसी दी गई है। आप इस टेबल में अलग अलग जिले की अलग अलग कैटेगरी वाइज वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं। अब नीचे चलकर आपका वेतनमान बताया गया है, और उसके बाद आगे चलकर आयु सीमा है जो कि 21 से लेकर 28 वर्ष होगी। और अगर बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए यानी कि स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। और इसके बाद शारीरिक दक्षता यानी कि PST की बात करते हैं, तो अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपको 7 किलोमीटर दौड़ना होगा 60 मिनट में, और अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको 35 मिनट में 3.5 किलोमीटर दौड़ना आवश्यक है। अब इसके बाद शारीरिक मानक की बात करते हैं, तो जो मेल कैंडिडेट है उनकी हाइट 168 सेंटीमीटर, जबकि जो फीमेल कैंडिडेट है उनकी हाइट जो है 152 सेंटीमीटर होगी। और दोस्तों अगर आप पर्वतीय मूल से हैं तो आपको 5 सेंटीमीटर की छूट दी जाएगी हाइट में। और इसके बाद छाती यानी सीना की बात करते हैं, तो आपके जो छाती का जो नाप है वो के साथ 84 सेंटीमीटर होना चाहिए, जिसमें जो न्यूनतम यानी मिनिमम फुला होगा वो 5 सेंटीमीटर का माना जाएगा। और जो महिला या अभ्यर्थी है यानी फीमेल कैंडिडेट्स का जो वजन है वो 45 किलोग्राम कम से कम होना चाहिए। अब इसके बाद जो पॉइंट 4 है, इसमें आपके रिटर्न टेस्ट यानी कि लिखित प्रतियोगिता के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको टोटल 100 क्वेश्चन मिलेंगे जो कि वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, और जो टाइम है वो आपको 2 घंटे का मिलेगा। और अगर सिलेबस की बात करते हैं तो आपको सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन से संबंधित विषयों पर ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब इसके बाद जो पदनाम 2 है लेखपाल का, यानी कि राजस्व उप निरीक्षक, यहाँ पर टोटल पद 147 है। अब आगे चलकर आपको पद का नाम, विभाग का नाम और जिले का नाम, आरक्षण श्रेणी और रिक्त पद, टोटल यहाँ पर कैटेगरी वाइज अलग अलग जो वैकेंसी की डिटेल्स दी गई है। आप अलग अलग जिले की अलग अलग कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट को यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अब इसके बाद आपका वेतनमान दिया गया है, और नीचे चलकर आपकी आयु सीमा जो है वो 21 से लेकर 35 के बीच में होनी चाहिए। और अगर बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो आपके पास बैचलर यानी स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। और इसके बाद अगर शारीरिक दक्षता को देखते हैं यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट को, तो जो अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपको 9 किलोमीटर दौड़ना होगा, मात्र 60 मिनट आपके पास होगी। और अगर आप फीमेल कैंडिडेट है तो आपको 35 मिनट में 4.5 किलोमीटर दौड़ना होगा। और अब अगर शारीरिक मानक की बात करते हैं, तो मेल कैंडिडेट्स की हाइट जो है वो 168 सेंटीमीटर, और अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपकी हाइट जो है वो 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और दोस्तों साथ में ही आपका जो सीना यानी कि छाती का जो है फुलाव के साथ 184 सेंटीमीटर होना चाहिए। और अगर आप महिला कैंडिडेट हैं तो आपका वजन जो है कम से कम 45 किलोग्राम होना चाहिए। अब इसके बाद यहाँ पर रिटर्न टेस्ट के बारे में बताया गया है, तो आपका जो रिटर्न टेस्ट होगा वो मल्टीपल क्वेश्चन होंगे, जिसमें 100 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और टोटल 2 घंटे का समय होगा। अगर सिलेबस की बात करते हैं, तो सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन से संबंधित विषयों पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब पॉइंट नंबर 4 में आपको लिखित परीक्षा से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे कि सामान्य OBC की जो श्रेणी है उन्हें 45%, जबकि अनुसूचित जाति यानी कि SC और जो ST कैंडिडेट है उन्हें 35% अंक लाना आवश्यक होगा। और दोस्तों यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी होगी जो कि 1/4 होगी, यानी कि 0.25 जो है आपके नंबर कट जाएंगे अगर आपने कोई भी क्वेश्चन गलत क्लिक किया है। अब इसके बाद आगे चलकर लिखित परीक्षा जो है OMR में होगी, और इसके बाद OMR और आपके जो एग्जाम उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स
दिए गए हैं। अब आगे चलकर जो पॉइंट 5 है, इसमें आपके आयु की गणना की गई है, तो आपकी जो आयु की गणना होगी वो 1 जुलाई 2020 को होगी, यानी कि इस दिन आपकी जो उम्र है वो 21 से लेकर 35 के बीच में होनी चाहिए लेखपाल के लिए। और अगर आपने पटवारी के लिए अप्लाई किया है तो आपकी उम्र 21 से लेकर 28 के बीच में होनी चाहिए। इसके बाद पॉइंट 6 में आपको बताया गया है कि केवल वही कैंडिडेट जिन्होंने उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से अपनी शिक्षा हाई स्कूल या इंटरमीडिएट या फिर समक्ष बैचलर की डिग्री क्लियर की है, केवल वे ही अभ्यर्थी इसके पात्र होंगे। यानी कि अगर आप उत्तराखंड के बाहर से हैं और आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो उत्तराखंड के बाहर किसी कॉलेज या इंस्टीट्यूट से हैं तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अब इसके बाद जो पॉइंट 8 है, इसमें आपकी राष्ट्रीयता यानी नेशनलिटी के बारे में पूछा गया है, तो कैंडिडेट जो है वो भारत का नागरिक होना चाहिए। और दोस्तों मैं आपको एक बात याद दिला दूं, अगर आप हमसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे सोशल मीडिया के लिंक्स दिए हुए हैं, उन लिंक्स पर क्लिक करके आप हमसे पर्सनली जुड़ सकते हैं। इसके बाद पॉइंट 9 में आपका चरित्र के बारे में बताया गया है, यानी कि चरित्र कैसा होना चाहिए। अब इसके बाद जो पॉइंट 10 है, इसमें वैवाहिक स्थिति के बारे में बताया गया, और इसके बाद आगे चलकर आपकी शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में बताया गया, आपको मेंटली और फिजिकली बिल्कुल फिट होना चाहिए। और इसके बाद यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए गए हैं, अब आगे चलकर देखिए यहाँ पर जो पॉइंट नंबर 13 दिया हुआ है, इसमें आपको ऑनलाइन आवेदन के तो प्रक्रिया दी गई है। अगर आप अपना फॉर्म खुद फिल करते हैं तो आपको ये पढ़ना जरूरी है, अदरवाइज आप किसी CSE सेंटर पर भी जाकर अपना जो फॉर्म वो फिल कर सकते हैं। वैसे भी मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ, जैसे पहला पॉइंट में आपको बताया गया है कि आप डिपार्टमेंट की ऑफिशियल साइट पर जाकर अपना जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको OTR यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल बनाना आवश्यक होगा। अब इसके बाद आगे चलकर आपका जो वैलिड मेल ID और मोबाइल नंबर होना चाहिए ताकि डिपार्टमेंट आपसे आगे कॉन्टैक्ट कर सके। और अब इसके बाद आगे देखिए यहाँ पर जो पॉइंट 5 है, इसमें आपके जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे उसके बारे में जानकारी दी गई है, आपका फोटो का साइज पासपोर्ट होना चाहिए, स्कैन हो या हस्ताक्षर, और इसके बाद अंगूठे के निशान। अब इसके बाद आगे चलकर देखिए पॉइंट नंबर जो 9 है, इसमें आपको बताया गया है कि अगर कैंडिडेट ने एक बार फाइनल सबमिशन कर दिया तो उसके बाद उसके द्वारा भरी गई जानकारी में कोई भी बदलाव नहीं हो सकता। और दोस्तों पॉइंट नंबर 11 में आपको बताया गया कि आपकी जो फीस है वो आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर CSE केंद्र पर जाकर क्लियर कर सकते हैं। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक, कमेंट, शेयर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करते भी चलें। और इसके बाद आगे चलकर आपके शुल्क यानी फीस के बारे में बताया गया है, तो अगर आप जर्नल या फिर OBC कैंडिडेट हैं तो आपकी फीस मात्र 300 रुपया रहेगी, लेकिन अगर आप SC ST या फिर EWS या फिर दिव्यांग कैंडिडेट हैं तो आपकी फीस मात्र 150 रुपया रहेगी। और दोस्तों यहाँ पर साफ साफ बताया गया है, जब तक आपकी फीस पूर्ण नहीं हो जाती तब तक आपका आवेदन को है जो पूर्ण नहीं माना जाएगा। अब इसके बाद आगे चलकर कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं आवेदन पत्र भरने हेतु, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। अब इसके बाद आगे चलकर देखिए यहाँ पर जो पॉइंट 4 है, इसमें आपको बताया गया है कि आपका जो आवेदन पत्र होगा उनके लास्ट में चलकर जो फाइनल सबमिशन के बाद अपना एक प्रिंट आउट ले लेना है। और इसके बाद जो पॉइंट 6 है, इसमें आपको बताया गया है कि कैंडिडेट फॉर्म फिल करने से पहले ये देख ले कि उसकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है या नहीं। अगर आपकी कंप्लीट नहीं हुई है तो अगर आप फॉर्म फिल करते हैं तो आपका जो एडमिट कार्ड है वो नहीं जारी किया जाएगा। इसके बाद जो पॉइंट 8 है, इसमें आपको बताया गया है कि आपकी जितनी भी डिटेल्स हैं वो सभी बिल्कुल सही होनी चाहिए, अगर आपने कोई गलत डिटेल फिल कर दी तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स दिए गए हैं। इसके बाद जो पॉइंट 14, इसमें आपको बताया गया है कि आपका जो प्रवेश पत्र यानी कि एडमिट कार्ड है वो डाक के द्वारा नहीं भेजा जाएगा, आप डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों इसके बाद जो पॉइंट 15 है, इसमें आपको आंसर की के बारे में बताया गया है, यानी कि जब आपके एग्जाम होंगे उसके तुरंत बाद आपके आंसर की जारी कर दी जाएगी, और अगर आपको कोई डाउट बनता है तो आप 7 दिन के भीतर उससे संबंधित दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन प्रस्तुत करवा सकते हैं। अगर 7 दिन के अंदर नहीं करवाया गया तो इसके बाद आपकी जो है प्रॉब्लम पर कोई भी विचार नहीं किया जाएगा। इसके बाद जो पॉइंट 16 है, इसमें आपको बताया गया है कि कैंडिडेट जो है एग्जाम सेंटर में फोटो, कैमरा, कैलकुलेटर, मोबाइल फ़ोन इन सब का यूज़ नहीं कर सकता, अगर आप गलती से इन्हें ले जाते हैं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। अब इसके बाद आगे चलकर भी कुछ और पॉइंट्स दिए गए हैं, अगर आप इन्हें पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। अब लास्ट में जो पॉइंट 27 है, इसमें आपको बताया गया है कि ऑफलाइन परीक्षा के साथ साथ जो डिपार्टमेंट है ऑनलाइन परीक्षा यानी कि CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की भी तैयारी कर रहा है, तो आपका जो एग्जाम है ये ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों में से किसी एक भी प्रक्रिया से संपन्न कराई जा सकती है। नीचे चलकर आप सचिव के संतोष बडोनी के सिग्नेचर देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी इस भर्ती से रिलेटेड, अगर आप एप्लीकेबल हैं, एलिजिबल हैं तो आवेदन कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक, कमेंट, शेयर करें, और दूसरे जॉब नोटिफिकेशन और इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन फॉरम ऑफिशियल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि समय समय पर आने वाली सभी नौकरियों की जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।